Hey guys, this is your friend Salim Khan and I am an Indian seafarer. My passion is sailing and this is my YouTube channel Seafarer Salim. Please watch my all videos, likes my videos, comments my videos and also share. And who is new in my channel, please subscribe to my channel and press the notification bell icon for new videos updates. And come on my Instagram and follow me and ask me any question if you have any doubts. Hey guys, welcome back to my YouTube channel Seafarer Salim. तो guys कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. तो ये वीडियो है HRA हाई रिस्क एरिया, जहाँ पे पायरेट्स आते हैं. पायरेसी एरिया है जहाँ पे पायरेट्स शिप को हाईजैक करते हैं. तो अभी हम लोग वो एरिया क्रॉस करने वाले हैं. तो हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, जैसे कि हमने शिप साइड में रेजर्स वायर डाले हैं एंड ब्रिज विंग पे पोर्ट साइड स्टारबोर्ड साइड दोनों साइड पे हम सैंड बैग्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे शिप पे आर्म्स गार्ड आएंगे. तो जैसे कि अपना बॉर्डर पे लोग सैंड बैग्स डाल करके गन रखते हैं, सेम वैसे ही हम लोग को उनको बना के देना है पूरा. तो अभी हम लोग रेजर वायर डाल चुके हैं, सैंड बैग्स भी ऑलमोस्ट हो गया है. सैंड बैग्स डाल देंगे एंड फिर आर्म्स गार्ड आएंगे जो कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए रहेंगे, और हमारी भी एक्स्ट्रा वॉचेस लगेंगी जो हम लुकआउट करेंगे. कोई भी बोट आता है, कुछ भी होता है, तो हमको वो करना है, रिपोर्ट करना है, बताना है. और शिप पे कभी भी HRA एरिया है या पायरेसी हम क्रॉस कर रहे हैं, अगर पायरेट्स ऑन बोर्ड आ जाते हैं तो हमको हमारा जो मेन वो होता है मस्टर एरिया, वो हमको अपर डेक में होता है. सारे डोर्स हमको लॉक करके रखने हैं अंदर से, जिससे अगर पायरेट्स अंदर आते भी हैं तो इतना ईजिली अंदर ना आ सकें. एंड उसके बाद अकॉर्डिंग टू मास्टर्स ऑर्डर हम लोग अपना हर ऐसे जो शिप मेनली पायरेसी एरिया में घूमते हैं वहाँ पे शिप पे एक सीटाडेल होता है. सीटाडेल में वहाँ पे हम छुपते हैं, अगर पायरेट्स आ गए तो सारे के सारे क्रू लोग ए टू जेड जितने भी हैं टॉप टू बॉटम सब लोग वहाँ पे जाके छुप जाते हैं और कम्युनिकेशन करते हैं. और वैसे हम ट्राई करते हैं कि ऑन बोर्ड ना आए, क्योंकि ऑन बोर्ड आने के बाद फिर अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी प्रिपरेशन हम लोग अभी से चालू कर दिए हैं. रेजर वायर भी हमने लगाया है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने रेजर वायर डाल के रखा है. तो जो शिप साइड में वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टारबोर्ड साइड में रेजर वायर दिख रहे होंगे. तो ये हमने फॉरवर्ड टू आफ्ट पूरा लगा के रखा है, फॉक्सल में शिप साइड में लगा के रखा है. डबल लेयर डाली है इस रेजर वायर की, और यहाँ पे ए डेक में भी डाल के रखा है, क्योंकि ए डेक भी नीचे ही आता है, इसलिए यहाँ पर भी हमने राइट राउंड में पूरा डाल के रखा हुआ है. यहाँ पे देख सकते हैं रेस्क्यू बोट के पास भी है, यहाँ पे पूरा डबल लेयर डाल के रखा है. और पीछे वहाँ पे आप देख सकते हो पूप डेक पे भी हम लोगों ने डबल लेयर डाल के रखी हुई है, और भी यहाँ पे रखा हुआ है एक्स्ट्रा यहाँ पे डालने के लिए. यहाँ पे अभी हमने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आर्म्स गार्ड आएंगे तो उनका कुछ बॉक्सेस वगैरह रहता है आर्म्स का, वो हम लोग अपने इस मोनो रेल से उठाएंगे. दैट्स व्हाई हम लोगों ने इधर नहीं डाला है अभी. और जब आर्म्स गार्ड आ जाएंगे उनका सामान आ जाएगा, क्रेन का काम ख़त्म हो जाएगा, देन हम लोग ये दो रेजर वायर यहाँ पे डाल देंगे. तो ये सारा प्रिकॉशंस लेके रखा है हम लोगों ने. तो अभी थोड़े टाइम बाद हम लोग HRA एरिया क्रॉस करने वाले हैं. 3-4 दिन का एरिया है वो, और बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना है, बहुत ही हम लोग को ओपन आईज सब कुछ रखना है अपना, और वॉच के टाइम पे बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है. तो अभी आज है सैटरडे और मे बी शायद कल आर्म्स गार्ड आ जाएंगे, और अभी हम लोग सेलिंग में ही हैं. तो HRA एरिया में यही है जो कुछ भी है. तो और अगर आगे कुछ होता है तो मैं वीडियो में ऐड करूँगा, और अगर नहीं होता वीडियो को यहीं स्किप कर दूँगा. तो जो भी प्रिपरेशन हम लोग करते हैं स्पेशली यही रहता है, हम लोग रेजर वायर्स डालते हैं और सैंड बैग्स डालते हैं ब्रिज पे. और जो ब्रिज पे साइड में विंडोज़ होती हैं, ग्लास रहता है उसमें, तो वो विंडो पे आयरन का प्लेट होता है, आयरन प्लेट डाल देते हैं, उसको नटबोल से टाइट कर देते हैं, जिससे कि अगर फायरिंग हो तो ग्लास ना टूटे. बट एक बार अगर ऑनबोर्ड आ गए पायरेट्स तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा एक ही काम है जाके छुप जाओ. और अगर कोई भी पायरेट किसी एक को ही पकड़ लेता है तो चुपचाप जाके सबको सरेंडर कर देना है, क्योंकि अगर एक भी बंदा छुपा रहेगा वो नहीं आएगा तो पायरेट सबको मारेगा. तो उससे अच्छा है कि सरेंडर कर दो चुपचाप, ज़्यादा वहाँ हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, कि वो मूवी देख के इंस्पायर मत हो, नहीं तो मूवी देख के इंस्पायर हो गए तो फिर काम हो जाएगा, वो लोग सीधा मार देगा, कुछ देखता नहीं है. वैसे भी मारता ही है, मतलब गोली डायरेक्ट नहीं मारेगा बट मारता तो है ही है वो लोग.
तो अपनी साइड से प्रिपेयर रखो कि वो आ ना पाए जहाज पे, तो सबसे अच्छी बात है। तो अभी आज तो सैटरडे को यही हुआ, रिजर्वायर हम लोगों ने डाला, अभी कल से डाल रहे थे, रिजर्वायर हो गया, सैंड बैग्स का काम हो गया, अभी कल और भी काम है वो सब करेंगे, और फिर जैसा भी होगा ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। और मे बी ये ब्लॉग कैसा रहेगा पता नहीं, तो चलिए देखते रहिए इस ब्लॉग को। हे गाइस, तो आज है संडे और हम लोगों ने जितने भी सैंड बैग्स थे सब उठाया ब्लॉग डाल के। अभी हमने ब्रिजिंग पे सारा ले लिया है और आर्म्स गार्ड आने के बाद इसको सेट करेंगे, वो लोग बताएंगे कैसे करना है क्या करना है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो आप देख सकते इतने सारे सैंड बैग्स हैं यहाँ पे, हमने एक साइड में ही कलेक्ट किया है पोर्ट साइड में, एंड अभी इसको यहाँ पे हमको लगाना है। वो आर्म्स गार्ड बताएंगे कैसे सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सब सेट करेंगे पोर्ट साइड में एंड स्टारबोर्ड साइड में। जैसे कि बॉर्डर पे वो लोग अपना सीमेंट का या रेत का सैंड का बना के रखते हैं, वैसे ही सेम बनाना है जिससे वो गन चला सके। और यहाँ ऊपर का व्यू भी आप देख सकते हो, ब्रिजिंग से पूरा हम लोगों ने यहाँ पे लगा के रखा है रिजर्वायर, पूरा फुल फॉरवर्ड टू आफ्ट सारे शिप साइड में डाल के रखा हुआ है डबल रिजर्वायर। एंड अभी जो ये आप ग्लास देख रहे हो, अभी ये ओपन है, अभी यहाँ पर भी हम लोगों को प्लेट्स डालनी है। इधर जितने भी ग्लास दिख रहे हैं यहाँ पे आपको ब्रिज में, जिससे अगर वो फायर करे तो ग्लास टूटे ना। ये देख सकते हो, आपको प्लेट्स भी दिखाता हूँ मैं। तो प्लेट्स यहाँ पे आवाज़ पता नहीं कैसे आ रही है, क्योंकि बाहर हूँ मैं तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं होगी। ये यहाँ पे प्लेट्स रखे हैं, ये सारे प्लेट्स हमको जो है लगाने हैं, जितने भी यहाँ ग्लासेस दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नट बोल्ट, इसमें डाल करके टाइट कर देना है सारा यहाँ पे। ये हमारा स्टारबोर्ड साइड है, कल यहाँ पर भी हम सेटअप करेंगे, जो भी आर्म्स गार्ड बोलेंगे जैसा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेंगे। और बाकी ये देख सकते हो आप, ये सब कुछ है इधर, एंड बस इतना ही है। तो आज संडे का इतना ही था, अभी तो संडे ऑफ हो गया हम लोगों का, उसके बाद अभी शाम को आर्म्स गार्ड आ जाएंगे, उसके बाद फिर शायद कुछ मीटिंग होगा, वो बताएंगे कैसे करना है क्या करना है। एक्स्ट्रा वॉचेस भी हैं ब्रिज विंग पे, तो इंजन वाले इंजन साइड के लोग भी आएंगे, वॉच करेंगे, एक्स्ट्रा वॉचेस रहेंगी हमारी, क्योंकि बहुत ही प्रिकॉशंस लेने हैं। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, तो और व्लॉग में देखते हैं और क्या होता है, जैसा होगा आगे क्या क्या करना है, क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में। एचआर एरिया में हम लोग और क्या क्या करते हैं, तो व्लॉग को आगे देखते रहिए। धूप बहुत हो रही है, अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, बहुत ही गर्मी है, वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कितना धूप है यहाँ पे। और सब जगह हम लोगों ने रेजर वायर लगाया है, नीचे आप देख सकते हो डबल लेयर का लेजर वायर है इधर ये सारा, एंड इधर फनल है, और बहुत ही आवाज़ आ रही है, हमारा लाइफ बोट डेक है, और इतनी आवाज़ में मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी कि नहीं पता नहीं। तो अभी मैं चल रहा हूँ अपने डेक पे, और इधर जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, धूप हो रही है, और इतना धूप में रहना अच्छी बात नहीं है। सो अभी मैं अपने डेक पे आ गया हूँ, मेरा डेक है वी डेक, और अभी इतनी धूप हो रही है कि बाहर भी नहीं खड़े हो सकते हैं, तो इसलिए कुछ मतलब नहीं है इधर रुक करके। तो गाइस चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा डेक पे कैसा रेजर वायर लगा के रखा है हम लोगों ने। तो मैं अभी विदाउट बॉयलर सूट हेलमेट में हूँ, तो मैं आगे नहीं जा सकता, आपको इधर का ही दिखाऊंगा थोड़ा। तो चलिए देखते हैं। तो ये होते हैं रेजर वायर, इनकी कॉइल्स होती है जिसको हम हाथ से नहीं छू सकते हैं, आप देख सकते हो कितने शार्प हैं ये। अगर ये एक बार गया बॉडी के अंदर तो स्किन लेकर आएगा, सीधा सी बोन्स दिखेगा, स्किन नहीं दिखने वाला, तो बहुत ही केयरफुली इसको लगाना पड़ता है। और ये देख सकते हैं आप रेजर वायर कैसे डबल लेयर में लगा हुआ है, अभी इधर डबल लेयर बचा हुआ है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट आएंगे तो कैसे हम लोगों को गैंगवे से आएंगे या कैसे, इसलिए इधर नहीं लगाया हम लोगों ने। एंड ऐसे ही हम लोगों ने दोनों साइड में लगा करके रखा हुआ है, और पूप डेक भी आपको दिखा देते हैं कैसे लगा हुआ है। और इधर बहुत ही आवाज़ है, मेरी आवाज़ की क्वालिटी कैसी होगी पता नहीं, बट आई विल ट्राई कि मेरी आवाज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो, इसलिए मैं थोड़ा लाउड बोल रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना शार्प है ये, अगर ये जाएगा बॉडी में तो क्या होगा। तो ये देख सकते हो कैसे डबल लेयर डाल के रखा है हम लोगों ने,
एक लेयर नीचे है, ये दूसरी लेयर है, ऐसे ही पूरे शिप साइड पे हम लोगों ने डाल के रखा हुआ है। यहाँ पर भी ये डेक पे हम लोगों ने डाल के रखा है कि ये भी नीचे का डेक है इसलिए इधर डाल दिया है। इधर ये डेक पे है, डाल के रखा हुआ है रिजर्वायर, और भी कुछ एरिया बचे हुए हैं जहाँ पे हमको रिजर्वायर डालना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो पूरा। तो व्लॉग बहुत ही बड़ा हो रहा है, अभी तो और भी बड़ा हो जाएगा। आर्म्स गार्ड आएंगे, उसके बाद वॉचेस होंगी, क्या क्या करेंगे हम लोग वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग में ज़रूर ऐड करूँगा। और तो एचआरए का यही है कि अपने को प्रिपरेशन रखना है सब कुछ, और ट्राई करना है कि पायरेट्स बोर्ड पे ना आए। अगर वो एक बार ऑन बोर्ड हो गए तो फिर कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप सरेंडर कर दो और कुछ नहीं। तो इसलिए फर्स्टली ट्राई करो कि ना आए। तो ये मेन डेक है, शिप साइड पे पूरा देख सकते हो रिजर्वायर लगा के रखा हुआ है इधर, तो यही है। तो चलिए अभी देखते हैं आर्म्स गार्ड आने के बाद क्या होता है। तो अभी आगे मिलेंगे फिर, और आगे क्या व्लॉग में होगा व्लॉग को देखते रहिए पूरा। हे गाइस, तो आज है मंडे और हमारी एचआरए वॉच स्टार्ट हो गई है, एंड मैं हूँ 12-4 वॉच में। तो रात की वीडियो तो नहीं बना सकता, रात में तो पूरा डार्क रहता है, तो मैंने सोचा दिन में बताऊंगा क्या क्या कैसे हम लोगों ने बना के रखा है इधर ब्रिज विंग पे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, हमने वी शेप में ऐसा बना के रखा हुआ है, जैसा कि गार्ड्स ने हम लोग को बोला बनाने को, वैसा हमने बना दिया है। दोनों साइड बनाया है, ये पोर्ट साइड है, इधर स्टारबोर्ड साइड में भी बना के रखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक रिजर्वायर डाला हुआ है पाइप के पे ना चढ़ सकें इसलिए। और इधर भी हम लोगों ने बना के रखा है, देख सकते हैं वी शेप में इधर बना के रखा हुआ है फायरिंग करने के लिए। तो सेम ऐसा ही पोर्ट स्टारबोर्ड में बना के रखा है, और अभी वॉच चालू है और सनलाइट देख सकते हैं, बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही तेज़ धूप है यहाँ पर। तो वॉच चल रही है, अभी तक सब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छे से सारा चार एरिया क्लियर हो जाए बस,